हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। इंडिया एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है और इस दैनिक जीवन में हमारे क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे वीडियो अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब है पोषण। जो हम खाते पीते हैं वो सभी क्रियाएं न्यूट्रिशन में आती हैं। जो हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सभी। हाँ, और एक बात, छोटी सी बात मेरी याद रखिएगा, न्यूट्रिशन एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप इसे खुद से रिलेट करके अगर आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन, दैनिक क्रियाओं पर आधारित है। न्यूट्रिशन, इसका हिंदी में मीन्स होता है पोषण। पोषण, अब पोषण कितने तरह का होता है, न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? न्यूट्रिशन होता है टू टाइप का, ये लिख रखा है, ऑटोट्रॉपिक और हीटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, इसे हम बोलते हैं स्वपोषी, स्वपोषी। उसे हम बोलते हैं हीटोट्रॉपिक को विषमपोषी। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, अगर क्वेश्चन बनता है यहाँ से न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कोई पूछने लगा, तो टू टाइप्स का होता है, स्वपोषी और विषमपोषी। आप हिंदी में तो समझते ही होंगे, ऑटोट्रॉपिक और हीटोट्रॉपिक। पीडीएफ आपको इंग्लिश में शो करेगी, मैं हिंदी में बताने का कोशिश करूंगा। आज हम डिस्कस करेंगे हीटोट्रॉपिक के बारे में। ऑटोट्रॉपिक छोटा सा चैप्टर है, एक लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा मैं। हीटोट्रॉपिक, हीटोट्रॉपिक विषमपोषी, जिसमें कि हम ह्यूमन बींग्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स जानवर जितने भी हैं सब हीटोट्रॉपिक में आते हैं, सिर्फ पौधों को छोड़कर। ऑटोट्रॉपिक में सिर्फ पौधे आते हैं, पौधे कवक, पौधे हैं या फिर लाइकेन वगैरह जो भी है वो आएगा। हीटोट्रॉपिक है क्या? हीटोट्रॉपिक है किसी दूसरे पर आधारित पोषण, या फिर जो अपना भोजन दूसरे दूसरे से प्राप्त करते हैं उसने हीटोट्रॉपिक कहते हैं या विषमपोषी कहते हैं। पॉइंट एंड नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शंस, हमारे मानव शरीर के लिए नेसेसरी एलिमेंट या आवश्यक तत्व कौन कौन से चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो हम पोषण लेते हैं उनमें अक्सर होता क्या है, उनमें लगभग ये 8 चीज़ें होती हैं, जिसमें 5 से 6 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए हम यूज लेते हैं, फैट्स एनर्जी के लिए लेते हैं, प्रोटीन इम्यूनिटी एंड ग्रोथ के लिए लेते हैं। प्रोटीन का कार्य होता है हमारी वृद्धि करना, शरीर की वृद्धि करना, इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता। विटामिन्स, रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी के लिए लेते हैं, कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, अगर विटामिन बी की कमी है हमारे शरीर में तो रोग हो जाता, कोई सा रोग हो जाता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। मिनरल्स एंड सॉल्ट मेटाबॉलिज्म के लिए लेते हैं, हमारी उपापचय क्रिया है, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए हम मिनरल्स और सॉल्ट्स लेते हैं। फाइबर्स हेल्प इन डाइजेशन के लिए लेते हैं फाइबर। वाटर H2O मेटाबॉलिज्म के लिए लेते हैं, जो उपापचय क्रियाएं होती हैं। और न्यूक्लिक एसिड हम ग्रहण करते हैं भोजन से। हम ह्यूमन बींग्स हीटोट्रॉपिक माध्यम से अपना पोषण लेते हैं, और उस पोषण के माध्यम से हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं या जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, उनके बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला है कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लगभग 7-8 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बायोलॉजी का थोड़ा भी स्कोप है तो उसमें एक ना एक क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से आता ही आता है। फैट्स मैं बाद में कराऊंगा, कार्बोहाइड्रेट पे आज हम डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक शर्करा है या सैकेराइड है, शर्करा हिंदी में बोलते हैं, शर्करा एक शर्करा है। डेली नीड कितनी चाहिए ह्यूमन बीइंग को? डेली नीड चाहिए 400 से 500 ग्राम, 400 से 500 ग्राम पर डे हमें चाहिए। सोर्स क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? व्हीट, राइस, बनाना, मीट, एग, पल्स, मिल्क, ETC। जो मोटे मोटे सोर्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, गेहूँ, चावल, केला, मीट, मांसाहारी भोजन, अंडे, दाल और दूध इत्यादि। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जिम जाता है तो उसके लिए सजेस्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा केले खाए, ज़्यादा से ज़्यादा बीट खाए, मीट, मांस खाए, अंडे खाए, क्योंकि उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब उसके शरीर में एनर्जी ही नहीं होगी तो वो वर्क कैसे करेगा। कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम एनर्जी का सोर्स है, इसीलिए जो सोर्सेस हैं वो लेने आवश्यक होते हैं। एनर्जी ये देता है 3.4 किलो कैलोरी पर ग्राम।
ध्यान रखिएगा, ये चेंज हो सकता है, कई बुक्स में ये चेंज हो सकता है, बैरे हो सकता है, इनका डिफरेंस हो सकता है 3.4 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो ये 3.4 ये आता नहीं है, यूजली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी कितना, कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी देता है पर ग्राम में, 3.4, 3.6, यहाँ तक कि 4.2 भी हो सकता है कुछ बुक्स में। तो ध्यान रखिएगा ये आता नहीं है, ये कोई किसी से बहस नहीं करनी है इसके बारे में। इफ़ेक्ट क्या होता है, इफ़ेक्ट क्या होता है कार्बोहाइड्रेट की कमी से? मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन इसका मतलब है कुपोषण। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो कुपोषण के शिकार आप होने ही होने हैं। ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी का बहुत सबसे अच्छा स्रोत है, और अगर कार्बोहाइड्रेट की अगर बॉडी में कमी है तो कुपोषण के शिकार होने हैं। बेस्ट एनर्जी सोर्स है ये, ध्यान रखिए पॉइंट है ये, बेस्ट एनर्जी सोर्स, सर्वोत्तम एनर्जी का उदाहरण है, या फिर सर्वोत्तम एनर्जी हम इससे प्राप्त करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कैलोरी नीड ऑन डेली बेसिस, ये क्वेश्चन काफ़ी अक्सर अक्सर पूछा जाता है। कैलोरी मतलब एक ह्यूमन बींग के लिए कितना कैलोरी चाहिए? अगर कोई मैन है, कोई व्यक्ति है, आदमी है, तो उसके लिए 3200 से 3400 कैलोरी चाहिए। अब इनका कैटेगरी क्या है, ये लगभग 3000 चाहिए, जो बिल्कुल भी काम नहीं करता, बिल्कुल काम नहीं करता उसके लिए 3000 कैलोरी चाहिए। पुरुष के लिए 3200 चाहिए, जो लगभग 6 से 7 घंटे काम करता है या 8 घंटे काम करता है, और 3400 उसके लिए चाहिए जो 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है, या कठोर परिश्रम करता है। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं 3000 कैलोरी बिल्कुल लेजी इंसान, मतलब बिल्कुल भद्दड़ पर्सन, और 3200 कैलोरी उसके लिए चाहिए जो लगभग 7 से 8 घंटे परिश्रम करता है, अल्प परिश्रम करता है, अल्प काम करता है, और कठोर परिश्रम वाले के लिए या मजदूर के लिए लगभग 3400 किलो कैलोरी चाहिए, 3400 कैलोरी पर डे के बेसिस में चाहिए। वुमेन के लिए लगभग 2400 से 2600 कैलोरी चाहिए, मैंने मोटा मोटा यहाँ पे लिख दिया है, एवरेज में 2400 से 2600 कैलोरी चाहिए डेली बेसिस पे। अब यहाँ पे एक रिएक्शन बनता है, अगर हम जो भोजन लेते हैं, ये एक्चुअली फैट्स का है रिएक्शन, लेकिन कई बार रिपीट होगा तो आपको आसानी होगी समझ में। जो हम भोजन लेते हैं, भोजन हम कौन से रूप में लेते हैं? ग्लूकोज। भोजन जो जो संग्रहित होता है वो ग्लूकोज में संग्रहित होता है, भोजन से हमें ग्लूकोज मिलता है, ब्लड शुगर जिसे हम बोल सकते हैं। भोजन आता हो जाता है, भोजन जो हम एक्स्ट्रा भोजन लेते हैं वो ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन जो हम जैसे हमने मान लीजिए हमने हमें 3000 कैलोरी की आवश्यकता है, हमने उसकी जगह पे 3200 कैलोरी ली, तो हमारा कैलोरी 200 कैलोरी ज़्यादा आया, जो 200 कैलोरी ज़्यादा आएगा वो ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाएगा फैट के रूप में। ध्यान रखिएगा फैट के रूप में। अब बाई चांस अब आपको कैलोरी की आवश्यकता है आपको 3000, और आप ले पाए 2800, 2800 जो 200 कैलोरी पहले का स्टोर था फैट के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, वो टूट जाएगा ग्लूकोज में। ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन ऐसा होता है, ग्लूकोज जब हम लेते हैं और एक्स्ट्रा है तो वो ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाएगा, और अगर हम किसी कारणवश भोजन नहीं कर पाते, अगर मान लीजिए हमारा फास्ट है, हम भोजन नहीं कर पाते, तो जो हमारा फैट होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है, वो ग्लूकोज में टूट जाता है, उससे हमें एनर्जी मिलती रहती है। ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में टूटता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है, रिएक्शन दोनों तरफ से होता है, एरो मैंने लगा दिया है। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार हैं? कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार हैं, ध्यान रखने योग्य, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, व्हाट इज द मोनोसैकेराइड? मोनोसैकेराइड एक इजिएस्ट फॉर्म है ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप है, ध्यान रखिएगा सबसे छोटा रूप है मोनोसैकेराइड, इसके नाम से ही लगता है मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, एक कोई अणु है ग्लूकोज का, ये मोनोसैकेराइड में आएगा। और एग्जाम्पल्स के क्या है, ग्लूकोज, ग्लूटोज नहीं, ग्लक्टोज होगा, ग्लक्टोज होगा, सॉरी ध्यान रखिएगा यहाँ पे ग्लक्टोज होगा, मैनोज, ट्राइओज और फ्रक्टोज। मैनोज, ट्राइओज, फ्रक्टोज ये सभी मोनोसैकेराइड के उदाहरण हैं, कार्बोहाइड्रेट के सबसेक्शन कार्बोहाइड्रेट का जो एक प्रकार होता है मोनोसैकेराइड, उसके उदाहरण है, ध्यान रखिएगा ग्लूकोज, ग्लक्टोज, मैनोज, ट्राइओज और फ्रक्टोज, सब इनकी सब अणु ऐसे होते हैं
मतलब एक अणु होगा जिसे हम तोड़ नहीं सकते, ग्लूकोज हो सकता है, यहाँ पे फ्रक्टोज भी हो सकता है, या ट्राइओज मैनोज कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार मोनोसैकेराइड बनता है। डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड क्या है? डाई, जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, डाई डाई डाइसैकेराइड, डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब होता है दो, जहाँ पर दो अणु आपस में मिल जाएं, दो अणु आपस में मिल जाएं, तो बन जाएगा डाइसैकेराइड। यहाँ पे देखिए आपके ग्लूकोज फ्रक्टोज मिल सकता है आपस में, ये ग्लूकोज हो गया, ये फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लक्टोज, ग्लूटोज नहीं होगा, ग्लक्टोज होगा, ध्यान रखिएगा, वो मिसप्रिंट हो गया है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये तो आप सुने ही होंगे। सुक्रोज आपको पाया जाता है गन्ने में या शुगर में, माल्टोज पाया जाता है आपका लार में। क्वेश्चन बन जाता है लार में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? माल्टोज। दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो इसका होगा लैक्टोज। लैक जहाँ भी आ जाए, यहाँ पे एक ट्रिक बन जाता है, लैक जहाँ पे भी आ जाए तो वो सब मिल, लैक्ट जहाँ पे भी आ जाए तो वो हमेशा मिल्क को ही रिप्रेजेंट करता है, मिल्क, मिल्क, लैक्टोज, लैक्टोमीटर, दूध मापने वाला यंत्र। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सुक्रोज बनता कब है, सुक्रोज का निर्माण कब होता है? सुक्रोज का निर्माण होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिलने से। जब एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का जब ऐड होता है तो सुक्रोज का निर्माण होता है। ऐसे ही ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है माल्टोज, जो हमारा लार में पाया जाता है एंजाइम, वो होता है माल्टोज, एंजाइम बोल सकते हैं इसे। ग्लूकोज प्लस ग्लक्टोज, यहाँ पे ग्लक्टोज होगा तो बन जाएगा लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लक्टोज, ये हो जाएगा लैक्टोज। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? दूध में, ध्यान रखिएगा, लैक्ट भी बताए थे। पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड का एक सीरीज बन जाता है, ऐसी एक से ज्यादा अणु जिसमें मिलते हैं, अघुलनशील सीरीज बन जाता है, एक से ज्यादा अणु, दो से ज्यादा अणु, क्योंकि दो होगा तो डाइसेक्राइड बन जाएगा और एक होगा तो मोनोसेक्राइड हो जाएगा। तो ये ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज की बॉन्डिंग होगी दो से अधिक, तो बन जाएगा वो पॉलीसेक्राइड। ध्यान रखिएगा, मैं कोई परिभाषा नहीं लिखा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए इसे। ग्लूकोज के अणु, मान लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अणु दो से अधिक अणु आपस में लंबी सी श्रृंखला उनकी बनी हुई है, तो वो पॉलीसेक्राइड हो जाएगा। पॉली का मतलब होता है बहुत अधिक, पॉली का मतलब होता है अधिक या तीन से दो से अधिक। एग्जाम्पल है इसके स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन, ध्यान रखिएगा, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज और काइटिन। अब इसके बाद आता है हमारा निचोड़, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट से कोई भी अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डाउट डॉट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे जो आता है एक्स्ट्रा शॉर्ट, एक्स्ट्रा शॉर्ट मैं इसलिए बनाए हैं कि जो इनका पूरा निचोड़ है, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन है बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन अगर पूछता है एनर्जी का बेस्ट सोर्स क्या है, एनर्जी का सबसे उत्तम सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, C1H2O1, ध्यान रखिएगा, बन बन अनुपात, टू अनुपात बन होता है कार्बोहाइड्रेट का, CHO, कार्बोहाइड्रेट। सी फॉर रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, एच फॉर रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को, और रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को। इनका अनुपात क्या होता है? 1:2:1 में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2 के अनुपात में मिले तो ये बन जाता है कार्बोहाइड्रेट, 1:2:1 के अनुपात में। हाँ, एक्स्ट्रा शॉर्ट पे आते हैं। बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का सर्वोत्तम उदाहरण। अगर पूछने लगे ऊर्जा का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है तो कार्बोहाइड्रेट लगाएंगे, और पूछने लगे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है तो इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, इसका आंसर होगा फैट। ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शन क्वेश्चन बन जाता है, बहुत माइनर डिफरेंस है ऊर्जा का सबसे बड़ा उदाहरण और ऊर्जा का सबसे सर्वोत्तम, सबसे उत्तम उदाहरण, या सबसे अच्छी ऊर्जा किसकी होती है?
फैट किस लिए होती है? इसकी होती है 9.6 किलो कैलोरी पर ग्राम। फैट ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। आप अगर फैट थोड़ी सी मात्रा में लेंगे तो ऊर्जा काफ़ी काफ़ी अच्छा एनर्जी उससे मिलता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बनता है सुक्रोज। सुक्रोज किस में पाया जाता है? सुक्रोज पाया किस किस में जाता है? सुक्रोज आपका पाया जाता है गन्ने में, और चीनी में, क्योंकि गन्ने से ही चीनी बनती है। ध्यान रखिएगा, सुक्रोज आपका गन्ने में, चीनी में। इसकी रिएक्शन क्या बनती है? जब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है तो सुक्रोज बनता है। ये लिख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक एक अणु बनेंगे मिलेंगे तो सुक्रोज बनेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज कहाँ कहाँ पाया जाता है? लैक्टोज जो शर्करा होती है कहाँ मिलती है? दूध में। बताया बताया भी था मैंने आपको, लैक्ट, जहाँ भी लैक्ट आपको शो कर जाए तो बिना आंखें बंद किए लगाइए मिल्क। इसका लैक्टो लैक्टो मीटर, लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? लैक्टोमीटर से किसका मेजरमेंट करते हैं? इसका कमेंट सेक्शन में आप बताइए मुझे लैक्टोमीटर के बारे में। और लैक्टोज बनता कब है? जब ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज बनता है। ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज जब मिलते हैं। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज कहाँ बनता है? माल्टोज आपका मिलता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज तो बनेगा माल्टोज। ग्लूकोज के दोड़ू जब आपस में मिलते हैं तो माल्टोज बनता है। ध्यान रखिएगा, ये भी डाइसैकेराइड है, या फिर टू वाला जो भी पोर्शन है। फ्रक्टोज, आपका फ्रूट, आप रिलेट कर सकते हैं फ्रक्ट फ्रूट, हमेशा फलों में पाया जाता है और ये सबसे मीठी शर्करा है। ठीक है, आप ग्लूकोज आप खाए होंगे, ओआरएस ग्लूकोज का आपका कैल्शियम की टैबलेट वगैरह जो सभी ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज अधिकतर हमेशा ही मीठा होगा, तो सबसे मीठा मीठी शर्करा कौन सी होती है? सबसे मीठी मीठी सैकराइड कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा क्या? फ्रक्टोज। जो फलों से हमें शर्करा मिलती है वो सबसे मीठी होती है। इसका आंसर अक्सर लोग सुक्रोज लगा देते हैं जो कि गलत है, फ्रक्टोज होगा। और फ्रक्टोज कहीं बनाई नहीं जा सकती, फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज हमेशा फलों में मिलेगी। तीसरा नेक्स्ट आता है, ये जो दोनों सैकेराइड हैं ये सभी पॉलीसैकेराइड है। सेल्यूलोज, होता क्या है? सेल्यूलोज की जो कोशिका भित्ति बनी होती है पौधों की, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है पौधों की कोशिका भित्ति किस सैकेराइड की बनी होती है, किस शर्करा की बनी होती है? इसका सही उत्तर होगा सेल्यूलोज की बनी होती है। रिवर्स भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सेल्यूलोज से किसकी कोशिका भित्ति बनी होती है? तो पौधों की, लाइक पेपर, कॉटन, कागज और रुई वगैरह। काइटिन, सेल ऑफ फंगई, या कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइटिन से बनी होती है। इसका सही उत्तर होगा काकरोच या सेल, जो भी है काकरोच के जो खोल होता है ऊपर का सेल होता है वो काइटिन का बना होता है। यहाँ से क्वेश्चन दो क्वेश्चन बनते हैं, कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सही उत्तर होगा काइटिन। और कॉकरोच का जो खोल होता है वो किसका बना होता है? सही उत्तर होगा काइटिन। अब काइटिन से रिलेटेड यहाँ पे दो और है, काइटिन, केराटिन, कैरोटीन। कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, लेकिन कंफ्यूज नहीं होता, होना है काइटिन। कॉकरोच की जो मैंने बताया था आपका, केराटिन, प्रोटीन है, एक एक प्रो कैराटीन एक प्रोटीन है जो कि हेयर और नेल्स में मिलता है और जानवरों के खुर में, जो आपके बाल हैं या नाखून है या जानवर के खुर है उनमें कैराटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप टीवी देखते हैं तो आपने शैम्पू का एड देखा होगा, तो वो बोलते हैं कैराटीन, कैराटीन एडेड शैम्पू कुछ भी बोलते हैं, लेकिन कैराटीन का नाम जब देते हैं तो आप उसे रिसर्च करिए, एक्चुअली जो हम टीवी पे देखते हैं हम सिर्फ मनोरंजन के रूप में देखते हैं। अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अगर थोड़ा सा प्रयोगात्मक है या एक्सपेरिमेंटल है तो हम अच्छे से समझ सकते हैं। कैराटीन को आप समझिए, कैराटीन का एड शैम्पू वगैरह में दिया है, शैम्पू में जब देते हैं तो दैट मीन्स हेयर के लिए, बालों के लिए। तो कैराटीन की प्रोटीन आपको बाल, नाखून और जानवरों के खुर में पाई जाती है। ऐसे ही कैरोटीन होता है, कैरोटीन, क्या होता है?
कैरोटीन एक पिगमेंट है या बर्लक है? पिगमेंट का मतलब होता है बर्लक, या उसे उसका रंग करने रंग देने वाला बोल सकते हैं। गाजर है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, मिल्क काउ गाय के दूध में भी कैरोटीन पाया जाता है। यहाँ से लगभग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके कार्बोहाइड्रेट से मैंने कराने की कोशिश की है। आई होप आप समझ चुके होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।